जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करता। किसानां ते बीजेपी दे विच वख-वख बयान आने शुरू हो चुके हैं। इस तो पहला भी कुछ सुरां इहो जिहियां सुणन मिलदियां सी, पर ओपनली इहो जिहियां चीज़ां बाहर नहीं आईयां सी। नरेंद्र तोमर ने की किया ते साक्षी महाराज ने वखरे कह दिता, उही गल कह दी जिहड़ी कुछ महीने पहला कही जा रही थी बीजेपी लोग, अतवादी खालिस्तानी शब्द बोले जा रहे हैं। नरेंद्र तोमर कह रहा कि जिन्हां दा आपदा मसला नहीं सुलझदा, दूजे ठेकेदारी कर रहे हैं। तो इस तों अलावा मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जो कुछ कह रहे हैं वह भी सुनना पवेगा। साडा सवाल इको होगा, किसानों ते बीजेपी का असल टारगेट की? ये जाने को नहीं आए दिल्ली, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है। वैसे थोड़े थोड़े चंक तुसी सुन लिया, इन्होंने तिने आगुआ ने की कुछ किया, पूरा उन्होंने बयान सुन लो, उस तो बाद डिबेट असी अगे वधावांगे। जिहड़े पैनलिस्ट हैं उन्होंने तगीद करूंगा, ये बयान चंगी तरह सुन लैन। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ दे के पेड़ चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मांग खत्म हो जाएगा। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फायदा होगा, बाकी वहाँ पत्थर से सर मारने से कोई फायदा। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 भी वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहां से पुश कर दिया गया, वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, किसान तो खेत में काम कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਕਰਾਉਣੇ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਏ ਪੀ ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ। ਸੁਨਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਜੀਵ ਦਾਰਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਰਜੀਵ ਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ। ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਏ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਾਹੇ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਸੰਦ ਆਏ,
नरेंद्र तोमर पसंद आए, जो साक्षी जी ने किया, जो मलिक साहब ने किया और जो तंवर साहब ने किया वो सच्चाई बयान की और मैंने बिल्कुल पसंद आ रहा, तीनों बयान पसंद आ रहे हैं। सर बीजेपी ऑन कर दिया, तीन बयान बीजेपी ऑन कर दिया, बिल्कुल इसको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऑन कर दे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी दे बाद और जड़ी ऑन इंक्वायरी हो रही है उत्थे सारे ये बयान सच्चे निकलूंगे। सर किसान अत्तवादी है, किसान खालिस्तानी है, किसान दलाल है, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं किया कि किसान खालिस्तानी है, किसान आतंकवादी है, उन्होंने कहा कि जेड़े उत्थे बैठे ने उन्हें काफी सारे तो अरेस्ट हो गए, किसान तो सानू साडा अन्नदाता है, किसान आतंकवादी नहीं है, बट उत्थे जेड़े बैठे ने या तो वो एजेंट ने या तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले या खेला करने वाले हैं लोग, जो है कि हुण बंगाल विच गए सी टिकेत साहब तो टीएमसी दी एमपी उत्थे आई सी और कई भीड़ मैं देऊंगी तुसी खेला करो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। प्रसव नाश कोले जाना मैं हुण सुनवा दिया सर। प्रसव नाश, हां जी सर, ये तिन्ने बयानां नूं बीजेपी ऑन कर दी है, मैं तो सर कन्फ्यूज हो गया, तुसी भी कन्फ्यूज हो? मैं बिल्कुल कंफ्यूज ने जी, सत्यपाल मलिक साहब एक गवर्नर ने, उन्होंने इन नो अनसर्टेन टर्म्स एक गल कही कि जनाब टाइम आ गया इन्हें तुसी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे गल करो, उन्होंने इतों तक कहता कि जे तुसी एमएसपी लियांदे हो ऑनेस्टली लियांदे हो तो मैं तुहानू ये कह सकदा कि ये जिहड़ा तरना है ये खत्म हो जाएगा, जिहड़ा मोर्चा है खत्म हो जाएगा। मैं इस उन्होंने होर भी कहा कि तुसी इन्हां नू प्रेशराइज करना बंद करो, उन्होंने अज बिल्कुल एक्स्ट्रा तुहानू दस्सिया बीजेपी का एक गवर्नर, बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर बहुत क्लीयरली बोल रहा है कि जनाब मैं मेघालय स्टेट च 5 साल काम किया जी, मेघालय स्टेट का गवर्नर बहुत क्लीयरली बोल रहा है कि की थानू करना चाहिए और उन्हां दी स्टेटमेंट ते मैं कहना गवर्नमेंट नू फॉलो करना चाहिए। और जो साक्षी महाराज ने किया उहदी सिर्फ एक गल कहांगा जी, उसे नू खालिस्तानी कहना, मैं सिर्फ उन्हां नू कहांगा कि वो सरकार दे पिट्ठू ने एजेंट ने और उन्होंने अपनी गल करे एक लाइन समझ नहीं आई जिंदगी की, उन्होंने ये नहीं पता मैं किड़े पासे जाना, सानू वी आर एम टू हैव लीडर लाइक हिम। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लूंगा सर, ब्रेक तो वापस आवा के बाकी मेहमान को भी जाना, भाजपा को अपने का किहड़ा बयान पसंद है, असी यह सवाल किया, असी यह सवाल वार वार करना पवेगा, किसानों से बीजेपी का टारगेट की है, पर इस दे नाल महत्वपूर्ण सवाल है कि किसानों के मुद्दे से बीजेपी के अंदरूनी बगावत के सुरतों छिड़के है। वापस आ रहे ने वड़ा सवाल असं इस डिबेट में यह पूछ रहे हैं, खेती कानून से भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अंदर किहड़ा मोर्चा खुलिया। अर्शपी खडियाल, कांग्रेस का टेक है इससे, ये तिने बयान तुसीं सुन लिया? अर्शप्रीत मेरी आवाज आ रही थोड़े तक? मैं अर्शप्रीत तक मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही, मैं वापस आऊँगा अर्शप्रीत थोड़े को। अरजीव दारा, राकेश टकैत हरां दा ही बयान सुनिया सर, इस प्रतिक्रमा ने दिता है, संयुक्त किसान मोर्चा या किसान आगू इन्हां तीन मुद्दों से सर किहड़े मुद्दे दे नाल सरकार तो एक भरोसा चाहते हैं, सरकार नाल गलबात चाहते हैं, जां तिन्हां मुद्दों ते किसान आगू नूं लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, ये तीन बयान वक् वक् तरह के एक दो दिन आने, ये बीजेपी आपका एजेंडा किसानों का एजेंडा है ही नहीं। राजीव दारा, इस तो एक गल तो पता लगती है केवी जी जी कि किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आपके रणनीति दे विच ये चुनिया कि जिथे चोणा हो रही ने उथे जाके असी बीजेपी वोट ना दो, नो वोट फॉर बीजेपी की अपील करांगे, लगता है बंगाल हो गए आसाम गए उहदा असर होया, ये उहदा असर होया जिहदे करके बीजेपी के लीडर जिस तरह की गल कर तो उत्तर आए हैं, वह असर बहुत साफ नजर आ रहा है। दूजी गल जिहड़ा किसानों के मुद्दे ने वह बहुत साफ से सीधे ने, उहदे च तो कोई इधर उधर की गल है ही नहीं, तीन कानून जिहड़े किसान विरोधी ने कारपोरेट सपोर्ट करने वास्ते ने, कंज्यूमर के विरोधी ने, उन्होंने रद्द करवाना, 23 फसलों जिन्हों की एमएसपी डिकलेयर की जाती है, तो होर सारे फसलों की एमएसपी के उत्ते खरीद की गारंटी, कानूनन गारंटी, ये वो बार बार गल कर रहे हैं। मलिक साहब ने कहा एमएसपी की गल, हो सकता उन्हों का कोई आपका भाव होना है कि इस तरह हो सकता है, पर किसान तो यह भी कह रहे हैं कि अंदोलन जो कानून ने रद्द किए जाए उसके होए हुए ने, इस करके जे सरकार किसी नवी गल, ठीक है कि सरकार कोई नवा प्रपोजल लेके आती है तो किसान गलबात करने को तैयार ने,
ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਰਜੀਵ ਦਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰਜੀਵ ਦਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੇਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮ ਆਰ ਫੇਵਰਿੰਗ ਕਿਸਾਨ, ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸਾਨ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਟਾਕਸ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਟਾਕਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। I beg your pardon, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੇਜਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਠੀਕ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਨਵਾਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰੋਂ ਕੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਨੂੰ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਾੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਟਰੀ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।
जवाना वास्ते जिन्ना मेरी सरकार ने किता है कांग्रेस तो 50 साल भी नहीं कर पाई। ठीक है, वो हथियारों की चीजें, ठीक है सुनवारे साहब, सुनवारे साहब, मतलब एक मिनट अर्शप्रीत, अर्शप्रीत एक मिनट अर्शप्रीत आऊंगा, मैं आऊंगा आऊंगा अर्शप्रीत आऊंगा, एक मिनट रुको। प्रोफेसर अविनाश सिंह सर, इन तीन स्टेटमेंट के विचाले यूँ लगता पै कि बीजेपी के अंदरूनी बगावत के सुर छिड़ने शुरू हो गए, जी बहुत पहला ही असैसमेंट से जा रहे हैं कि बीजेपी बगावती सुर है, जानू असैस करना नहीं चाहिए, एक लोकतंत्र की आवाज़ है, बीजेपी लोकतंत्रिक पार्टी है, बीजेपी के डेमोक्रेटिकली आवाज़ आई है, सानू स्वागत करना चाहिए। अविनाश सिंह जी, तीन चार छोटिया छोटिया लाइन कहांगा जी। एक जी सब तो पहला गल है भाई, जो कुछ बंगाल और असम दे विच किसान भाईचारे ने जाके डू नॉट वोट फॉर बीजेपी का जिहड़ा हुंकार भरिया, उहदा मैं बहुत क्लीयर दस दिना, असम दे विच ऑलरेडी बीजेपी दे विच वाइड डिसेंशंस ने, जिहड़ा चीफ मिनिस्टर बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, मैं सरबानंद सोनोवाल की गल कर रहे हैं, जी जी, एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर नो उना दी पार्टी हराण दी कोशिश कर रही है या एक नवे बंदे नो ल्याण दी कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग सेंट्रल लीडरशिप। सेकंड, बंगाल दे विच आज तो तीन हफ्ते पहला बीजेपी इस तरह लगता सी वाह 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 वाह, आज उना कोल कैंडिडेट नहीं हन खड़े करन लई, एमपीज नु बुला के पुराने जर्नलिस्ट स्वपन दास गुप्ता वर्गे नु बुला के तुसी उना नु टिकट दे रहे हो एमएलए लई, तुहाडे कोल और जेडी रॉकेट लॉकेट चटर्जी है ओनु तुसी टिकट दे रहे हो, दैट मीनस ए दो चीजा। तीसरी चीज जनाब, जे तुसी कहंदे हो ना किसान किसान, मैं सिर्फ अरविंद जी दी गल एक छोटी जी कहांगा, देश नु तोड़न लई एक पासे यतन होया जिहड़ी अज दी रूलिंग पार्टी है और देश नु जोड़ रहे ने किसान, किस तरह जोड़िया, अपने बिहार तो 90 किसान बैठे ने जी पहले दिन तो, जेडे बुद्धिस्ट ने, केरला तो 100 बंदे आके बैठे ने रिप्रेजेंटिंग एंटायर केरला, कर्नाटका तो बंदे आके साढ़े 3 बॉर्डर्स ते बैठे ने, राजस्थान एमपी तो आके शाहजहानपुर ते बैठे ने, तुसी ए जोड़ रहे ने, असी तो ये कह रहे हैं भी पहली बारी वखरे वखरे थी, अज सिंघू बॉर्डर ते हरियाणा ते पंजाब कट्ठे होके कार बना रहे ने, इस तो ज्यादा चंगी गल की हो सकती है? मैनू शर्म आंदी है कहण लग्या कि साकी महाराज अपने आप नू महाराज या संत कहंदे है, साक्षी महाराज बारे बोलते पे है, मेरा साक्षी महाराज नूं भी सुनना चाहिए, किसानों ते बीजेपी का टारगेट की, असीं यही सवाल कर रहे हैं, वापस आके फिर पुछांगे। वड्डा सवाल ये पूछ रहे हैं, खेती कानून ते भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अंदर किहड़ा मोर्चा खुल्लिया? अर्शप्रीत की कहना चाह रहे तुसीं, बोलो। मैं ये कहना चाह रहा कि वो पार्टी है जिहड़ी आपदे ही लीडर्स दा, आपदी इंटरनल डेमोक्रेसी दा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दा गला घोट रही है। सत्यपाल मलिक बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही वाइज लीडर ने, जम्मू कश्मीर दे पहला गवर्नर सी, वो हंडिया दा एक्सपीरियंस बंदा, जे तुहानू कह रहा है कि तुसी एमएसपी दी गारंटी दो, तुसी अमेंड करो ते गल नु नवेड़ो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? इज कांग्रेस, कांग्रेस सर, कांग्रेस सपोर्ट करदी पई है अमेंड नाल मसला हल हो जूगा, तीन कानूनां दे विच अमेंड कर दो ते एमएसपी दा कानून बना दो, कांग्रेस ये कहना चाह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि फार्म लॉज नु अबॉलिश करो, एमएसपी दी गारंटी सर हुणे तुसी अमेंड किया है, अर्शप्रीत जी फिर तुसी मैनु याद कराओगे, मैं भुल जांदा, तुसी हुणे अमेंड किया है? बुरा सेट हो जा चंगा सेट होगा, जे सत्यपाल मलिक जी की एडवाइस ली जाती है मलिक साहब की स्टेटमेंट नो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है,
मैं एक चीज कहना चाहना है, जे आपकी लीडर्स नु नहीं ये सुनेंगे, आपके लीडर्स की आवाज में दबाने की कोशिश करने बाहरला लीडर, तुसी ठीक कह रहे हो अर्शप्रीत, एक गल तीजी बार तुसी कहती, मलिक साहब दे बयान नु कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस नु, एक मिनट सुनवारिया साहब, एक मिनट प्लीज सुनवारिया साहब, एक मिनट प्लीज साहब, सिंह साहब, मलिक साहब होन कोई होर होवे, किसानां दे जो हक दी गल करूगा उनू कांग्रेस सपोर्ट करूगी। चलो ठीक ठीक है अर्शप्रीत खड़ियाल, ठीक है ठीक है। अरजीब उदारा सर, मैं तुहानूं सवाल कीता, तुसी मैनूं हजे तक जवाब नहीं दित्ता गा, इन्हां तिन्नां लीडरां विच्चों किसान लीडर है जां जय किसान अंदोलन, जे मैं थोड़ा जिहा परिभाषित इस तरीके नाल कर लवां, तुसी सर किहड़े बयान नूं सपोर्ट करदे पिओ इन्हां तिन्नां लीडरां चों? केबीसी मैं बहुत स्पष्ट किया, मैं सिर्फ इन्ना गल सतपाल मलिक जी दी कि किसानां दी गल सुननी चाहीदी है, एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, इतों तक मैं समर्थन करदा, इस तो अगे किसानों की डिमांड जी बाकी रह जाती है तिने कानून अबोलिश करने की रिपील करने की, वह अड गल है, वह भी नाल मनी जानी चाहिए है। एक गल कि मलिक साहब के बयान एक होर गल निकल रही है कि 29 जनवरी किस तरह टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी, उन्होंने कहा 11 बजे रात को फोन करके मैं गिरफ्तारी रुकई, सरकार के दमन की नीति कितों तक जा रही थी, यह भी उन्होंने गल तो ही साफ आता है, उन्होंने कहा सारी थान छपया, पर दुख की गल है साढ़े इतने अजे अजे प्रवक्ता बैठते हैं, इन्ने सीनियर साथी ने सनवारिया जी, वो कह रहे हैं मैं तिना बयान का समर्थन करता, खालिस्तानी कहते हैं, पार्टी लगातार कोशिश करती है कि सिर्फ कल पंजाब का अंदोलन है, इस करके मैं क्या जो मलिक साहब कहते हैं किसी कौम याद रखती है, यह गल ठीक है, इसे कौम भी याद रखती है, यह गल भी ठीक है कि इस देश की दुनिया की हर कौम अन्याय याद रखती है, किसान कौम जी है एज ए किसान भी याद रखती है, मैं ये गल कही, इन्होंने पता नहीं कितों ये गल ले आए कि देश को वंडन की कोशिश कर रहे हैं, इन्हों पता होना चाहिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले ये सनवारिया जे जे डॉक्टर बने फिर ये भी ने कोशिश करते हैं कि संजम के नाल डिबेट होवे, सानू उह जिहा रोला नहीं चाहिए जिस नाल तुहानू कुछ समझ ना आवे, पर निजी हमलों तो भी बचना चाहिए, जो पार्टी लाइन की गल हो रही है, पार्टी के आगुआ की गल हो रही है, उदों उस तक सीमित रहना चाहिए, सानू निजी हमलों तो बचने की लोड़ हैगी है, असं इसलिए ब्रेक लै रहे हैं, ब्रेक तो बाद वापस आवेंगे, कोशिश करा कि ये जो मेहमान है थोड़ा जहा ठरमे नाल गल कर सकन, वापस आ रहे हैं। खेती कानून ते भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार अंदर किहड़ा मोर्चा खुलिया? अर्शप्रीत खड़ियाल, जिहड़ा मिस्टर गुदारा ने याद कराया कि टकैत की गिरफ्तारी है मलिक साहब ने रुकवाई है, कांग्रेस इसनों भी सपोर्ट करती है? नहीं, असी ना सपोर्ट करते हैं ना इतने अगेंस्ट है, ये उन्हों का निजी मामला उन्होंने लगे, उन्होंने करवाया, दैट्स हिज पर्सनल जॉब। असी ये कहने हैं कि जिहड़ी कैंपेनिंग शुरू हुई है बीजेपी के खिलाफ, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब ये तो बाद एक हाउस ऑफ कार्ड्स होंदा ना, जिवें एक डिगदा सारे पते डिगदे आ, हरेक स्टेट्स दे विच कैंपेनिंग मैं लगता किसान शुरू करनगे, ते चाहीदी भी है बीजेपी के खिलाफ, बिकॉज ये वो पार्टी बन चुकी है, एक मिनट मिस्टर उदारा, डिक्टेटर है जेडी ह्यूमन राइट वायलेशंस नू वायलेशंस बहुत करदी है, लोका दे फंडामेंटल राइट वायलेट करदी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नू खत्म करदी है, लोका दी आवाज नू दब दिंदी है, ते लोका नाल धक्का करदी है, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं करदी, सीधा अपनी मर्जी करदी है, ते ए चीज जदों बंगाल दे विच ते दूजे जी। चलो अर्शप्रीत मैं वापस आऊंगा तुहाडे कोल, सुनवारे साहब टकैत साहब दी गिरफ्तारी रुकवाउणा, गुदारा साहब, तुसी उन्हां नूं ऑन नहीं करदे पे, पर उन्हां दा बयान तुसी याद करवा रहे हो। सुनारे साहब
बीजेपी का इंतजार टेक ही है सर, ये खुल के बोलना टकैत साहब की गिरफ्तारी यशपाल इन्होंने मलिक खरा ने रुकवाई है सत्यपाल मलिक ने की उन्होंने दावा सही है सर सुनवारिया साहब के पी जी मैं सिर्फ इन्ना ही रिक्वेस्ट करूंगा जेडे तुहाडे गेस्ट ने चैनल ते के ओ पर्सनल कमेंट ना करो। मैं सर पहले रोक चुके हैं, पहले रोक चुके हैं सुनवारी साहब, पहले रोक चुके हैं। पर ए आप दा हुक्म नहीं मानदे रे, रुकदे नहीं सर। हुक्म करने वाले असि कौन है सर? तुसी बड़े सत्कार हो तो सर आपा ना जेडे दलबत्तू लोग जेडे आपा सर सुनवारी साहब फिर आपा निजी हमले च पै गए सुनवारी साहब भाई बड़े सियाने बैठे हो सुनवारी साहब वक्त वक्त बर्बाद कर रहे फायदा कोई? एक मिनट गुदारा साहब डिबेट पे आइए। मैं गुदारा साहब एक मिनट प्लीज। हां मैं ये कहना चाहता कि मेरे बहुत रिस्पेक्टफुल पत्रकार उत्थे बैठे ने, उन्होंने कहा कि उत्थे असम विच और बंगाल दे उत्थे तपसरा किया। मैं मेरे सर सुनारी साहब सवाल मिस्टर टकैत ते सी सर, कृपा करके आप पॉइंट ते रहिए सर प्लीज। मैं उत्थे उत्थे आ रहा पर मैं जो सुनया वो तो गल कर दिया ना, जो मिस इनफॉर्मेशन उत्थे दे रहे ने। भाई साहब आप पत्रकार हो, तुसी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हो। बंगाल असाम दे बारे पवार साहब मेरी पार्टी दे नहीं है, वो एनसीपी दे हैं। उन्हां दा स्टेटमेंट पढ़ लियो कि उत्थे सरकार बना रहे हैं असी। बंगाल विच 200 सीट तुसी कह रहे हो साडे कोल आदमी नहीं सीट देने वाले, वो खेला करवा लियो तुसी किन्ने खेले। चलो ठीक है सुनवाले साहब, तुहाडे कोल बंदे हैगे सर, सुनवाले साहब तुहाडे कोल बंदे हैगे, फिर आपां वेस्ट बंगाल च वी क्यों पढ़दे पे दूजियां पार्टियां दे बंदे? छड्डो ना उस गल नूं सुनवाले साहब, छड्डो ना उस गल नूं सर। सवाल ते आओ सर, सुनवाले साहब सवाल ते आओ सर, सुनवाले साहब सवाल ते आओ सर। टकैत साहब की गिरफ्तारी गवर्नर साहब ने रुकवाई सी सर? देखो साहब असी किसी नु भी गिरफ्तार नहीं करवाना चाहते, ये कांग्रेस की तरह का बिहेवियर सर। मलिक मलिक साहब ने गलत दावा किया, मलिक साहब ने गलत दावा किया सुनारी साहब, पर जनता नु असी जिहड़ा है असी किसी नु भी गिरफ्तार नहीं करना। सुनारी साहब प्लीज सर, सर सुन लो सर, सर सुन लो, किसी के कंधे से चढ़ के चढ़ जाओ। सुनारी साहब खत्म है, हंसना बड़ा आसान है, डिबेट पे फेर करना बहुत मुश्किल है। सुनारी साहब सुनारी साहब सुनारी साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक मिनट गुदारा साहब एक मिनट प्लीज, गुदारा साहब एक मिनट। सुनारी साहब प्लीज सर सुन लो, मलिक साहब ने दावा गलत किया सर, टकैत साहब की गिरफ्तारी उन्होंने रुकवाई, बीजेपी खारिज कर दिया दावे को। कह रहा है कि मलिक साहब ने कि सारे किसानों को अरेस्ट, किसी भी कोई भी तकलीफ देना साडा हक नहीं है। इतनी सारी दुनिया की तकलीफ होते वो तो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए। चलो ठीक है सर, ठीक है सुनारी साहब ठीक है सर, ठीक है। और टीएमसी उठ जाके की कर दिया, ठीक है सर, भीड़ मैं इकट्ठा करूंगी, कभी खेला होए टीएमसी का, कभी खेला होए कांग्रेस का। और तुसी कांग्रेस दे बुला रहे अस्प्रीत जी, तुसी कपिल सिब्बल नु सुनो, तुसी आजाद साहब नु सुनो, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ 2 ਮਈ ਕੋ। अविनाश सिंह जी ठीक है सर, अविनाश सिंह जी मैं एक मिनट गुजारा सर, अविनाश सिंह जी सर मैंने एक चीज थोड़े समझाओ सर, ये गवर्नर वालों या गवर्नर के नाल बीजेपी का जो रिश्ता हूँ थोड़ा जहा मैनू तिड़कता हुआ जापता पे। अविनाश सिंह जी असी इस तो पहले डिबेट में डॉक्टर किरण बेदी का भी जिक्र किया, डॉक्टर किरण बेदी ने खुल के अभी तक कुछ नहीं किया, हो सकता तुम्हें कुछ किया हो, मैं पता नहीं गा। अविनाश सिंह जी हूँ जो मलिक साहब ने गल कही है, अविनाश सिंह जी मैं ये समझ नहीं आ रही भी गवर्नर है ज राजपाल जिन्होंने असं कहने वो हुण बीजेपी दी नीतियां दे खिलाफ क्यों हो रहे हैं सर? सिर्फ एक गवर्नर नहीं जी, असी किरण बेदी दी गल पहलां कर चुके हैं, उन्होंने एक लाइन जिहड़ी ऑन रिकॉर्ड है कि आई एम नॉट हेयर फॉर डर्टी वॉक, उन्हां तों गलत काम करवाया जाना सी, शी डिसाइडेड टू रिजाइन। एक सतपाल मलिक जी ने पहले गदारा साहब ने क्या हंडे हुए आदमी ने, हंडे हुए पॉलिटिशियन ने, वो तुहानू सिर्फ दिखाना चाह रहे ही इज कॉलिंग अ स्पेड। और मैं तुहानू ये दस रहा भी जिहड़े जम्मू कश्मीर दे विच इन्ना काम करके होण अज उन्हां नू तुसी एक कोने ते मेघालय दे विच लाया है, बट स्टिल ही इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। मैं ये कहना चाहना वन, एक गुब्बारा जी एक कभी भी फुट सकता जेड़ा अशदीप जी ने कहा है, और एक 2 मई नू पता लगना शुरू हो जाएगा, दैट इज बिगनिंग ऑफ द एंड, तुहानू समझ आ जाएगी। दूसरा जेड़ा जेड़े लोग दलाल और खालिस्तानी कहते हैं, वो तुसी किसानां नू खालिस्तानी कह रहे हो, उन्हां किसानां दे विच कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश तेलंगाना दे किसान बैठे ने जिन्हां नू तुसी खालिस्तानी बोल रहे हो।
ये तो ये हो गया फिर सारे देश तुसी एक एक खालिस राज लियाना चाहते हो। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि तुसी तोड़ रहे हो, आज किसान जोड़ रहे हैं जी, और तुहानू हौली हौली समझ आ जाएगा। और जिहड़े कहते बंगाल के आसाम की गल कर रहे हैं, मैं 5 साल उत्थे सर्व करके हुणे आया जी वापस। ठीक ठीक है अर्जीव, अर्जीव जरा प्लीज पर्सनल टाइम तो बचियो सर, एक मिनट जरा। बीजेपी प्रेस कर रहे हैं आसाम दी, जिन्हों तुसी हटा के नवा बंदा लेना चाहते हो, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक ठीक है, मोस्ट अपराइट पर्सन आसाम हैज गॉट। ठीक ठीक है अवनाश, बीजेपी बीजेपी ठीक है। हाँ अर्जीव जरा बोलो सर, दो तीन गल्लां चिन्हित कर लिए। इतने बैठे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा तिने लीडर के बयान का मैं वेलकम करदा, उन्हां दा समर्थन करदा। हुण असीं जो तुसीं सवाल पूछा कि मलिक ने क्या, गवर्नर मलिक ने जिन्हों कह रहे ने साडा गवर्नर, इन्हां नूं पता होना चाहिए वह देश के एक राज्य का गवर्नर है, सारियां दा बराबर ही हुंदा। फिर उन्हें जिहड़ा बयान दिता उहदे बारे इन्हां ने कुछ नहीं कहा, यह कहिंदे असीं तां गुस्सा नहीं करना चाहते। एक मिनट सुनो सर, सुनो सर, आऊंगा सर, आऊंगा सर, आऊंगा सर, आऊंगा प्लीज। हां मिस्टर गुदारा, इस पार्टी के लीडर जो कहते हैं उसे खालिस्तानी बैठे ने, आतंकी बैठे ने, दलाल बैठे ने, इन्हों नूं पता होना चाहिए कि इस देश का, जिम्मे अविनाश जी ने कहा पूरे देश का किसान उत्थे बैठे है, जो खालिस्तानी कहते हैं ये सिर्फ उत्थे बैठे दसना चाहते ने कि राज तो एक धर्म के लोग ने, इस तरह का वितकरा, इस तरह का बंडवारा पाना चाहते ने देश के विच। जिहड़ा दलाली शब्द है इन्हों राफेल तो लैके ना जाने कि अंबानी के अंडानी जो दलाली कर जा रहे हैं, जिदे करके कानून पास किए ने, वो याद आ जाती है। इस मंत्रियों ध्यान होना चाहिए, इस पार्टी के नेताओं को ध्यान होना चाहिए कि किसानों बारे ये गल करना ये ना कि ना सिर्फ अपराध है बल्कि बेशर्मी की अनैतिकता की इस देश की रिवायत संस्कृति के खिलाफ भी है। जिहड़े इस देश की संस्कृति का बंटाधार करने लगे हुए हैं बीजेपी के लोग, उन्होंने चेता होना चाहिए कि वह कह की रहे ने। फिर इतने बड़े सरेआम बह के बेहयाई नाल समर्थन भी कर दिता जाता है जे बयान का, जिथे उ बैठे खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकी कहा जाता है। इन्होंने पूछना चाहिए कि किहड़े आधार नाल कह रहे हैं, जे उ खालिस्तानी बैठे ने किन्ने बंदियां नूं इन्होंने झूठा केस भी खालिस्तान दी होने दे नाते। ठीक है सर, ठीक है ठीक है अर्जीव दरा, अर्जीव दरा ठीक है ठीक है ठीक है, झूठे केस बनाए बीजेपी सर उस बयान नूं खारिज कर दी पी है राजनाथ सिंह दे बयान नूं। बिलकुल केपी जी खारिज नहीं कर रही, मैं तो हुण गुदारा नूं कहना बेहाई नाल जो गल कर रहे ने, ये गल करते हैं बेहाई दी, जेड़े बुढ़े ते कंधे ते चढ़ के ये सरकार बनाई सी और ये तो 5 पार्टियां छड़ चुके, ये इज्जत दी गल कर रहे ने। मैं हुण सुनारे साहब आपा फिर, सुनारे साहब फिर आपा निजी निजी हमले ते आ गए सर, मैं उन्हां रोक रहा है, तुसी भी सर वही काम शुरू करता सुनारे साहब, सुनारे साहब प्लीज सर, सुनारे साहब गुदारा साहब, गुदारा साहब सुनवारे साहब, आपा सर निजी अटैक ते क्यों पै रहे हैं सर, निजी अटैक क्यों कर दे पे आपा, मेरी सरकार सुनवारे साहब जेड़ा डेवलपमेंट सुनवारे साहब पूरा नेपाल नेपाली वो सारा का सारा उनकर कर रहा है। ठीक ठीक है सर, ठीक है सुनवारे साहब प्लीज प्लीज सर, सुनवारे साहब, सुनवारे साहब प्लीज प्लीज सुनवारे साहब। अर्शप्रीत एक आखिरी कमेंट तुहाडा लेना मैं, अर्शप्रीत खड़ियाल। अर्शप्रीत तुसी वार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि बीजेपी दे विच अंदरूनी फुट सानू नजर आ रही है, अंदरूनी बगावत नजर आ रही है, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਫੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, 11 ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟਾਕਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਲਾਜ਼, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਲ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਦ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਕੇਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹਿਰੀ ਗੂੰਗੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ वो तो अंबानी अडानी और कॉर्पोरेट की दलाल बनकर बैठी है चुपचाप। हाँ। वो दलाली करती है इसलिए चुप बैठी है, उनको सुनाई तो देता है, परंतु क्योंकि उनके पैसा लिए माध्यम से इलेक्शन में,
इसलिए उनके दलाले करने के लिए जो बैठे हैं ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक ठीक है। अब प्रसव नाथ सिंह जी, एक आखिरी सर तुहाडे तों मैं कमेंट चाहना है, मैं डिबेट समाप्त करनी है। प्रसव नाथ सिंह सर, प्रसव नाथ सिंह जदों गवर्नर वल्लों इहो जिहा बयान आवे सर, सर उसनूं किस चश्मे नाल देखना चाहिए? बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जिहड़ा है वह पोलिटिकल पार्टी तो उठ के गल कर रहा है, बट स्टिल ही हैज ऑलवेज बीन विद द बीजेपी। डायसेंशंस पार्टी दे विच क्लीयरली दिखाई दिंदियां। एक जिहड़ा गुडारा साहब ने गल कही ना, मैं ओदी सहमति इसलिए जताना चाहना कि जनाब 1964 तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एग्जिस्ट करदा सी, और एक लाइन नूं सुन लिओ, एग्जिस्ट करदा सी। जदों रफेल दी गल आई, उन्होंने एडवांस लाइट हैलीकॉप्टर बनाया, उन्होंने साडा फाइटर फाइटर जेट बनाया, लेकिन असी किहनूं दित्ता रफेल दा? एक साल पहला एक कंपनी जिहड़ी फ्लोट हुई, और बंदा उहदे पिछे अनिल अंबानी, जिन्हें अपने आप नूं की कोशिश कीता सी। उन्हें कहा जी मैं मेरे कोल तां पैसा है नहीं, 9,200 करोड़ उन्हें बैंकां दा देना सी। उन्हें अपने आप नूं दिखा दिता कि जनाब मेरे कोल तां पैसा है नहीं, जो कुछ करना कर लो। उसे बंदे नूं तुसीं दे रहे हो, जे ये वो है कि नहीं जो साक्षी महाराज ने बयान दिता सी कि जनाब ये तो दलाल है, दलाल कौन है, ये अपने आप बहुत क्लियर हो गया। रसवनाथ सिंह, आखिरी कमेंट चाहना सर, जे सर भाजपा दे विच रिजेंटमेंट हैगी है तो किंदे खिलाफ है सर? अपने पार्टी दे खिलाफ है। थानू थोड़े दिनां च पता लग जाएगा, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो साडा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बार बार हिंट दे रहा है, थानू पार्टी दे जिहड़ी अंदरूनी लड़ाई है थोड़े दिनां च सामने आ जाए। चलो बहुत धन्यवाद सर, अपना चलो बहुत धन्यवाद प्रसव नाथ सिंह, सुनवारे सर बहुत धनवाद, अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल बहुत धनवाद, राजीव गुजारा बहुत धनवाद। असी यह सवाल किया खेती कानून से भाजपा के विच किहड़ा मोर्चा खुल्लिया, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार खिलाफ किहड़ा मोर्चा खुल्लिया, इन्होंने सवालों के जवाब इन्ह पैनलिस्ट ने दिए है। तो प्रोफेसर अविनाश सिंह ने अखीर में कहा कि आने कुछ दिनों में तुम्हें तस्वीर साफ होगी। किसानों से बीजेपी का असल टारगेट की है तुम समझ सकते हो, पर इस विचाले जो अंदरूनी घोल शुरू हो चुके उस समय सानू लगातार बचना पवेगा। बहुत धन्यवाद।